नमस्कार विद्यार्थी मित्रमैत्रिणी स्वागत आहे तुमचं सपना झोमस्कुलिंग घ्या एज्युकेशन चॅनलमध्ये आज आपण इयत्ता सातवीची हिंदी या विषयाची द्वितीय परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फक्त एकूण पन्नास आहे त्याला सराव पेपर म्हणून हा पेपर आहे तुम्ही अभ्यास करा काय पद्धतीने प्रश्न असतात प्रश्नपत्रिका कशी असते कशी सोडवायची असते हे दाखवण्यासाठी हा पेपर आहे तेव्हा अभ्यास करा आणि हा पेपर सोडवायचा प्रयत्न करा तो नवीन असल चैनल चैनल सब्सक्राइब करा बेलाइकन दवा प्रश्न पहला एक ओ आहे उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो चार अंक है अवसर शिक्षा में अपराध अर्थपूर्ण एक सारा जग डैश, डैश करना हमें हमने सोचा मन में ठाणी दो डैश डैश बोलना और लिखना एक कला है तीन हम सबसे आगे रहते डैश डैश और बलिदान के चार इन्हें डैश डैश के अनुसार सजा देंगे ब कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाओ तीन अंक इसके लिए एक बीरबल समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है दो वह जानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते तीन तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं क नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे तीन अंक है इस प्रश्न के लिए आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं दो सुनील भैया को कड़ी सजा मत दो तीन चित्र ठीक नहीं है दोबारा बनाकर लाओ प्रश्न दो दिए गए पर्यायोग में से सही उत्तर चुनकर लिखो दो अंक के लिए एक सात दिनों के अलावा आप घोड़े को डैश डैश किसी भी दिन देख सकते हैं किसी भी दिन ले जा सकते हैं किसी भी समय देख सकते हैं दो यदि लोगों को आना जाना रहता तो अपना खाना कैसे बनाते अपना काम कैसे करते अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते ब प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो सिर्फ पांच पांच केस के लिए एक कवि किस कहानी को लिखने की बात कर रहा है दो बादशाह अकबर के दरबार में कितने मंत्री थे उन्हें क्या कहा जाता था तीन वसंत बसंत आने पर सरसों और आम में क्या परिवर्तन आता है चार आर्यन ने आर्यन ने हवेली के अंदर क्या देखा पांच अस्पताल में कौन कौन सी सूचनाएं प्रदर्शित की गई है छह कनिष्का कौन थी क जोड़िया मिलाओ अगट और ब तीन अंक है इसके लिए फोटो की दुकान भूत भूत हवेली और ब में है कपोल कल्पना कह कह की आवाज खतरनाक काम नारायणपुर प्रश्न तीन अ है प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्य में लिखो सिर्फ तीन नौ अंक है इसके लिए एक बेटी पर इस विषय पर जानकारी लिखो दो नैतिक मूल्यों की सूची बनाओ तीन हम चलते सीना तान की इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो और चार कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ ब कविता की पंक्तियां पूर्ण करो दो इसके लिए बेटी युग डैश डैश उत्थान पर्व है दो धर्म अलग डैश डैश हम आए प्रश्न चार असमानार्थी शब्द लिखो सिर्फ दो एक गिरी दुनिया मोर बहविदार्थी शब्द लिखो सिर्फ दो दो अंक अनादर अधूरी दुर्जन क शब्दों के युग्म शब्द लिखो सिर्फ दो दो कूड़ा फिरना घर ड सूचना के अनुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करो तीन अंक है इसके लिए एक नारायणपुर में फोटोग्राफर की एक दुकान थी वर्तमान काल में लिखना है इस वाक्य को दो माला पाठशाला जाती है भूतकाल में इस वाक्य को लिखना है और लिखिल कश्मीर घूमने गया था भविष्य काल में इस वाक्यों को लिखना है ई कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो सिर्फ दो एक ने दो के के लिए और तीन है से यहाँ पर इन कारकों का उपयोग करके हमें वाक्य लिखना है तो सिर्फ दो वाक्य लिखा तो भी चलने वाला है वाक्यों के सामने उनका प्रकार लिखो सिर्फ दो एक वाह क्या सुंदर दृश्य है दो माला घर नहीं जाएगी तीन खूब पड़ो खूब बढ़ो ग मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करो सिर्फ एक करना है एक अंक इसके लिए सीना तान कर चलना दो मात देना प्रश्न पांचवा है किसी एक विषय पर निबंध लिखो होली वसंत ऋतु यदि तुम सैनिक होते तो और इसके लिए पांच अंक है तो इसी के साथ हमारी प्रश्न पत्रिका यहाँ पर हमने सारे सवाल हमने यहाँ पे प्रश्न पत्रिका के देख लिए है अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मिलते अगले वीडियो में